हाय हेलो, कैसे हो सब लोग? हाय हेलो चलता रहेगा। पहले ये बताओ कि लॉकडाउन कैसा चल रहा है? घर पे बैठे हो कि नहीं बैठे हो? क्योंकि अगर नहीं बैठे हो तो बाहर जाओ, बहुत लोग हैं मसाज देने वाले। चलो, जब तक घर पे हो तब तक के लिए मैं एक वीडियो बनाने का सोच रहा था कि ये वीडियो उस चीज़ पे है लाइक जो गलतियाँ एक वेडिंग फोटोग्राफर करता है और जो मैंने भी की हैं और मैं अभी भी सीख रहा हूँ गलतियों से। और मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ कि वो लोग यही कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, तो उन सब के लिए एक ये छोटा सा 10 पॉइंट्स का वीडियो है जो मुझे आपसे शेयर करना है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहला पॉइंट ये है कि लोग काफ़ी कॉमन एक्सक्यूज देते हैं कि जब अच्छा DSLR लूँगा तब फोटोग्राफी सीखूँगा। रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट द कैमरा, इट्स अबाउट द पर्सन बिहाइंड द कैमरा। तो आज की डेट में 10 से 20 हज़ार की रेंज में इतना अच्छा फ़ोन नहीं मिल सकता जिसका एकदम सेक्सी रियर कैमरा होगा। प्लीज़, सेल्फी कैमरा की बात नहीं कर रहा मैं। तो बाय दैट फोन एंड उसी से सीखो। लाइक ऑनेस्टली, मेरी भी इंस्टा फीड पे मोर देन 70% ऑफ द फोटोज़ जो हैं इंस्टा पे वो सारी फ़ोन कैप्चर्ड हैं। कैमरा कैप्चर्ड कोई होती हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि एक्सपेरिमेंट करते रहो। एक्सपेरिमेंट बहुत ज़रूरी है फोटोग्राफी सीखने के लिए, क्योंकि हर शॉट के लिए एक डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव चाहिए होता है और वही पर्सपेक्टिव एक्सपेरिमेंट के साथ ही आता है। जैसे अगर आपको कोई शॉर्ट हाइट का दोस्त की फ़ोटो लेनी है तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप नीचे बैठ के नी लेवल या बिलो नी लेवल के से फ़ोटो लें। अगर आप लंबे हाइट वाले दोस्त की फ़ोटो ले रहे हैं तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप शोल्डर लेवल या अबव शोल्डर लेवल की हाइट से फ़ोटो लें। और थर्ड पॉइंट ये है कि कैमरा में एक फीचर होता है, उसको बोलते हैं Gridlines। मतलब कैमरा के अंदर 3x3 की Gridlines आ जाती हैं, 2x2 की Gridlines आती हैं। जो आपके फ़ोन में हैं आप उसको यूज़ कीजिए। एंड Gridlines यूज़ करना उतना इम्पॉर्टेंट है जितना मैगी में मैगी मसाला। सो Gridlines का फ़ायदा ये होता है बेसिकली कि आपका जो सब्जेक्ट है फोन कैमरा के आगे, क्या वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस में सिमेट्री में है या नहीं है, तो वो आप इससे पता लगा सकते हो। ऑल्सो अगर आप रूल ऑफ थर्ड्स को जानते हो फोटोग्राफी में, तो ग्रिड काफ़ी हेल्प करते हैं। रूल ऑफ थर्ड बेसिकली बताता है कि ऑब्जेक्ट आपका एक फ्रेम के 1/3 में होना चाहिए, आइदर राइट और लेफ्ट। तो आप ग्रिड से आप पता लगा सकते हो कि आपका ऑब्जेक्ट है जो वो क्या 1/3 में लाई कर रहा है फ्रेम की या नहीं। जो फोर्थ पॉइंट है ना, वो भी मैगी मसाला लेवल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोकस। काफ़ी लोगों ने नाम सुना है बट लोग यूज़ नहीं करते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, लाइक लिटरली काफ़ी लोग हैं जो फोकस बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। बस टक 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 15 फोटो ले देंगे जिसमें से एक भी ढंग से शार्प प्रॉपर इमेज नहीं होगी। बस 10-15 फोटो ले देंगे और बोलेंगे कि हाँ हमने तेरी फोटो ले दी। ऐसा नहीं है भाई, नहीं करना है, ये करना ही नहीं है। ठीक है, क्या करो, फोकस सिंपल स्क्रीन पर टैप करो, जहाँ पे ऑब्जेक्ट की फ़ोटो लेनी है उस पर टैप करो और वेट करो, कैमरा फोकस अप कर लेगा, एक फ़ोटो ले लो। आई एम प्रिटी श्योर कि जो आप एक फ़ोटो लोगे वो 10 फोटो के हिसाब से बहुत अच्छी आई होगी। एंड अगली बार आप मेक श्योर करना कि ये फ़ोटो ले रहे हो तो प्लीज़ फोकस पे क्लिक करो और आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कितना डिफरेंस होता है एक फोकस और एक नॉन फोकस्ड फोटो में। तो फिफ्थ पॉइंट ये है कि एडजस्टिंग द ब्राइटनेस। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि किसी की फ़ोटो खींचनी है, चलो स्क्रीन फुल टैप, टक 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 टक। भाई तुम कोले को भी यामी गौतम बना देते हो हर फोटो में, वो नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। फ़ोटो देखो, समझो इसमें कितनी लाइट चाहिए, कितनी लाइट इज द प्रॉपर लाइट ताकि एक अच्छी फ़ोटो है, डिसेंट फोटो है। अब आइदर इंक्रीज द ब्राइटनेस और डिक्रीज द ब्राइटनेस, वो तुम्हारे ऊपर है। हर शॉट में डिफरेंट चाहिए होता है, इसलिए एक्सपेरिमेंट करते रहो, सीखते जाओगे किस फोटो में कैसी लाइट चाहिए। गाइस, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बाय ट्राइपॉड। एक ट्राइपॉड लो, सस्ता सा पड़ेगा, 150-200-250 के आसपास का। एक हमेशा कहीं भी जा रहे हो साथ कैरी करके लेते जाओ, क्योंकि क्या पता कब एक परफेक्ट शॉट मिल जाए ट्राइपॉड लाइक। यार, तो सेवंथ पॉइंट ये है कि टाइम लैप्स यूज़ करो। हर फोन में एक फीचर आता है आजकल टाइम लैप्स या हाइपर लैप्स का। आपके फ़ोन में जो है उसको यूज़ करो, अपने ट्राइपॉड सेट करो, अपना फ़ोन उसके ऊपर लगाओ और शुरू हो जाओ। अगर मेरा बस करें ना, मैं हर जगह का, लिटरली हर जगह का टाइम लैप्स बनाना शुरू हो सकता हूँ, क्योंकि टाइम लैप्स एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देते हैं फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए।
जैसे मूविंग क्लाउड्स, अगर आप क्लाउड्स देखोगे रेनी सीजन में वो लगेगा कि हाँ बादल जा रहे हैं, बट जब आप उसका टाइम लैप्स सुनाओगे और आप उसको जब देखोगे बाद में तो वो 10 times या 5 times जितना भी फास्ट होकर जो आएगा वो इतना अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि मतलब क्लाउड रेस हो रही है। तो वैसे ही आप सनसेट, सनराइज का, क्लाउड्स का, ट्रैफिक का, किसी का भी टाइम लैप्स बना सकते हैं आप। एक मेरी भी इंस्टा फीड पे मैं आई प्रेफर कि 5-6 फोटोज का एक टाइम लैप्स आ जाए, चेक कर लेना इंस्टा फीड पे, इंस्टा पे एक बारी। तो और नेक्स्ट 8th पॉइंट ये है कि एक फोटो एडिटिंग ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करो। फोटो एडिटिंग ऐप से मैं ये नहीं बोल रहा कि कैमरा 360, B612 या कोई भी ये रेट्रो कैमरा ये सब डाउनलोड करो, ना ही वो शक्ल छोटा मोटा पतला करने वाला या पेट छोटा मोटा पतला करने वाला, वो सब मैं ही कह रहा। आई एम सजेस्टिंग लाइक लाइट रूम, स्नैपसीड, फोटोशॉप टाइप की ऐप्स अपने फ़ोन में या लैपटॉप में डाउनलोड करो एंड उसमें प्रोसेसिंग करो, और हर फोटो में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपोजर, कंट्रास्ट, वाइट, ब्लैक्स, सैचुरेशन, ल्यूमिनस चाहिए होता है। और जब आप करते रहोगे बार बार तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि किस फोटो में कितना क्या चाहिए। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट फोटोज एडिटिंग ऐप डाउनलोड करो, करते रहो, हर टाइप की फोटो एडिट करो और आप कुछ मतलब 50-60 फोटोज के बाद आपको खुद देगा कि हाँ एक ये फोटो एक प्रो की तरह एडिट हुई है। गाइस तो 9th पॉइंट ये है कि अपने फ़ोन के लेंस को रेगुलरली साफ करना है। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि फ़ोटो खींच दो, उसके बाद कंप्लेन करते हैं कि इतना हेजी फोटो है, कितना ब्लर फोटो है। द फर्स्ट थिंग आई डू इज मैं कैमरा की लेंस चेक करता हूँ, एंड कैमरा का लेंस लेंस छोड़ के बायोमेट्रिक स्कैनर बना हुआ होता है भाई, इतना फिंगरप्रिंट कौन लगाता है उसके ऊपर। इसलिए अगली बार जब भी आप फोटो खींच रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि लेंस साफ है कि नहीं है। अगर नहीं साफ है तो आप टिश्यू पेपर से या किसी क्लीन क्लॉथ पीस से आप उसके लेंस साफ कर सकते हैं, क्योंकि अगर अगर फिंगरप्रिंट या अगर एक भी ऑयल का ड्रॉप लगा होगा तो फोटो पूरी ब्लर या हेजी होगी। एंड 10th पॉइंट ये है कि आप एक एडिशनल कैमरा लेंस बाय कर सकते हैं जो आपको डिफरेंट टाइप का पर्सपेक्टिव देगा, लाइक फिश आई, मैक्रो और वाइड एंगल। इनका रेंज 100 rupees से स्टार्ट हो जाता है ऑनलाइन और 4-5 thousand तक जाता है मैक्सिमम। आपको जो सूट करता है आपके बजट रेंज में आप वो लीजिए, और रिव्यूज़ के रिव्यूज़ देखकर। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है मिनीसो का फिश आई लेंस, जो मुझे पड़ा था अराउंड 200 rupees। इट्स नॉट द वेरी बेस्ट बट इट्स ओके कि तुम डिफरेंट टाइप के पर्सपेक्टिव कैप्चर कर सकते हो उससे। बट अगर आपको एक अच्छा प्रोफेशनल लेंस लेना है तो आप स्काईपिक का लेंस आता है, उस कंपनी का डिस्क्रिप्शन मैं नीचे दूंगा, एंड आप वो बाय कर सकते हैं। इनका रेंज होता है ट्रिपल एम से स्टार्ट होता है और इनका मैक्सिमम जाता है 2500+। एंड ऑनेस्टली लाइक मैंने जितना रिव्यूज ऑफ फोटोग्राफी देखी है इनकी, दे आर द बेस्ट फोन लेंसेज अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ। तो आप कोई भी आप खरीदिए, उसके बाद आप शुरू हो जाइए। बस अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रोटोकॉल वही है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करने का, जो आपको पता है क्योंकि आप इतना यूट्यूब देखते ही हो यार, तो वही सब कीजिए। एंड अगर आप 10 में से अगर आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो या आपको पॉइंट अच्छा नहीं लगा हो तो मुझे बताइए, अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। चलो अभी के लिए थैंक यू, बाय।